रूम तो अभी रेडी नहीं हुआ, देख लेना। तुमने अभी बिल्कुल भी नहीं देखा, वो तो पूरा ही चेंज हो गया। अच्छा लग रहा है, अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर और पूरा ही, लेकिन बदल गया, पूरा बदल गया। यहाँ का सामान कहाँ गया सब? ट्रेड में उधर चली जाएगी बस। मेरा ट्रेड में कहाँ सब हट गया। अम्मा ये वाला रूम है बनवा रहे थे, ये पहले कितना खटरा था और अब सही है। आपको सही है। हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम, खुशामदी सबक के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। ठीक हो? घर के हाल देख रहे हो कितने बुरे पड़े इस वक्त। अच्छा तो बन रहा है रिजा, देखा जाली बहुत अच्छा लग रहा है रिजा, देखो इधर। क्योंकि सनी भाई ने सोचा है और हमने सोचा है कि रमजान में बालकनी का हम यहाँ पे डेकोर करेंगे, रमजान स्पेशल, कि यहाँ पे बैठ के बेटी खाला पढ़े खाए और यहाँ पे पूरा कालीन बिछा के सब, तो उसके लिए कबूतर गंदा कर जाते थे। हाँ ये लगवाया। अच्छा यहाँ पे लाइट्स भी आएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और इस रूम का हाल तो देखो, कुछ जाने लायक नहीं है। उतना जो एरिया है कुरान शरीफ रखने वाला, नमाज रखने वाला, इतना पूरा, इतना बहुत है ना, बहुत है। दो लोग आराम से, तीन लोग बैठ लो, पढ़ लें बैठ के। हाँ। बाहर से बालकनी भी खोल सकते हैं। ऊपर वहाँ पे कुरान शरीफ सब कुछ आ जाएगी, इतना ये खुला रहेगा। हाँ, जाली लग जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा है। क्योंकि देख अब यहाँ पे रख, देखो अब इसमें देखो कितना सामान रखती है, वो अलग होना चाहिए। वही तो, अब मैं कितने बार हटाऊँ, मशीन इतने में आ जाएगी। अब भैया खाना खा लो कि टीवी देखने बैठ गए। जैसे आप लोग बैठ के देख रहे हो ना अपना व्लॉग, ऐसे हर जगह लोग खाते वक्त या कुछ करते वक्त हमारा व्लॉग देखते हैं। अब उसमें हम लोग कभी पागलपंती करते हैं, कभी कुछ करते हैं, सब बैठ के देख के हंसते होंगे। जैसे अभी देखो मैं स्पोर्ट्स वाले कपड़ों में दुपट्टा ओढ़ के घूम रही हूँ। फ्रेंड्स अभी कुछ नहीं मिल रहे कपड़े, जो मिल रहा है बस वो ही है। ट्रेनर आई थी तो मैंने जल्दी से वाले कपड़े पहने, और हमने फिर डिसाइड कर लिया कि यहाँ भी पेंट करा रहे, जब घर सब गंदा हो ही रहा है तो फिर एक बार ये भी पेंट हो जाए। ठीक है। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है जुम्मा, एक दिन बीच में हमने व्लॉग नहीं बनाया। कल हमने कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम किए, तो उस दिन आपने देखा था सब लोग आए थे, घर की हालत कैसी थी। आज भी घर की हालत वैसी ही है, अभी कुछ दिन तक वैसी ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है काम जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। सनी भी अपने अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो आज जो भी होगा आपको बताएंगे। बहुत सारे पेंडिंग काम भी हो गए फ्रेंड्स। आप लोग सोचते हो कि इसी कोरोना रोती रहती है, लेकिन सच में जब इधर उधर जाओ सारी चीजों का जो ब्रेक लग जाता है, तो फिर जब स्टार्ट करो तो मेरा माइंड स्पेशली पता नहीं ऐसा क्यों है काम ही नहीं करता कि शुरुआत कहाँ से करो। यहाँ देखिए एक अनबॉक्सिंग स्टोरी डालने में भी ना समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। नीला नहीं दिख रहा, अच्छे से धो के दिया, ये क्या पहने खड़े हो? अरे यार ऐसे ना दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जुमा तो मैं हो गया जुमा के लिए रेडी। फ्रेंड्स इतना अच्छा उन्होंने कुर्ता इसको वॉश करके आयरन करके दिया, बोल रहा नील कर दिया है। नील कर दी है इसमें, नील तो अच्छी होती है, अम्मी भी करती थी। लेकिन नीले कपड़े में कोई नील नहीं करता भाई, ये सफेद बिल्कुल रहेगा, नील कौन करेगा इसको। मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, नमाज के बाद आज होना है मेरा हिजामा कब थेरेपी, तो उसके लिए मैं डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है सही, दर्द मेरे रहता है ना इसके लिए कराना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम रेहान, तुम्हारी टी शर्ट की मैंने हालत बना दी कल से। फ्रेंड्स कल से मैं ये रेहान की टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक आपको भी अम्मी। अल्लाह खुश रखे हमें, ऐसा तुम बच्चा मेरी। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जुमा मुबारक हो, अल्लाह तुझे औलाद दे। खाना क्या बनाया आज? बीन्स मूंग की दाल। जुमे एक दिन तो कुछ अच्छा बिरयानी रियानी बनानी चाहिए थी अम्मी। परसों बिरयानी खाई, कल बिरयानी खाई, आज ही बिरयानी खिला रही हूं। कहां जाएंगे, कहां? ये आया था हमें। अच्छा दुपट्टा नहीं लाएंगे बनावा आज के? अच्छा है ना, ये लॉस्ट इन क्लोजेट वालों ने भेजा था फ्रेंड्स। अरे वाह, ये बनाया आलू गवार। गवार इसमें है मूंग की दाल, ढक्कन अभी खोल नहीं रहा, टाइम लगेगा, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और आपने क्या क्या सुबह से पढ़ लिया? हमने सूर्य का पढ़ा, दरूद ताज पढ़ा, दुआए हल मुश्किल वो पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब नमाज पढ़ ले, उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम भी पढ़ लिए, मोहम्मद अल्लाह। तुम ही चाय बना दो, भूख से मर रही हूँ। कुछ नहीं खाया अभी, नहीं अभी दो दिन से वो शुरू किया है, 14 घंटे भूखे रहना। नहीं मतलब रात से, फिर अभी 16 भी करूंगी, अभी तो बस दो ही दिन है। सुबह सुबह उठते साथ सबसे पहले चाय का इतना मन करता है, कैसे तैसे हम कंट्रोल करते हैं कि जितना टाइम खिंच जाए, जितना टाइम पेट खाली रहे, तो बस अभी चाय तो पीते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। अखरोट किधर रखे हैं? अखरोट अम्मी तो कह रही हम लोग को उल्टा रख दिया, अखरोट नहीं है हमें लग रहा।
तुम्हारा जो ऊपर का था वो ऑर्डर कर दिया। नहीं दिखा रही हूँ। अरे बात करो यार, जिस दिन एब्स आ जाएंगे, बॉडी बन जाएगी अच्छी, तो फिर खुद आ जाऊंगा सामने। इसकी एक टी शर्ट पहनी है फ्रेंड्स, तो एक इसने ऑर्डर करवा ली। यहाँ पे चल रही है फ्रेंड्स नमाज, और फ्रेंड्स यहाँ पे रूम में ना हम ही लोग आके सब ऐसा फैलावा कर देते हैं, हमारी सूटकेस, हमारा झोला, ये सारी चीजें। आपको पता है फ्लैट्स में इतनी जगह होती ही नहीं है, दो रूम में सारे लोगों को रहना पड़ता है, सभी का सामान, सबके बिस्तर, बहुत सारी चीजें, तो ऐसे ही होता है। अखरोट दो और बादाम, वैसे तो ये भिगो के खाने हैं लेकिन ठीक है, चलो वो तुम खा लो। सबसे पहले सोच रही हूँ नींबू पानी पी लेती हूँ, ठीक है, 5 मिनट से चाय पीऊंगी। फ्रेंड्स अभी हम पढ़ लेते हैं नमाज। ये दुपट्टा देखिए अम्मी ने मुझे कितना अच्छा निकाल के दिया, ये मैंने बहुत पहले लेके रखा था, ये बिना सूट का ऐसे सिंपल दुपट्टा है, सॉफ्ट भी है, तो फिर आज अम्मी ने निकाला कि इसमें नमाज पढ़ लो। नमाज हो गई है, बहुत तेज भूख लगाई है, तो पहले खाना खा लेते हैं। सनी अभी नहीं खाएंगे क्योंकि हिजामा के 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। ये है हमारा लंच। फ्रेंड मैं आ गया था नमाज पढ़ के, और अभी मेरे डॉक्टर आने वाले हैं हिजामा के लिए, बस फटाफट से मैं कपड़े पर चेंज करके रेडी हो जाता हूँ, डॉक्टर आएंगे उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फ्रेंड्स कितना मुश्किल लग रहा है हिजामा, सनी पता नहीं कैसे करा रहे हैं, लेकिन चलो अभी आपको दिखाती हूँ, मैं तो देख ही नहीं पा रही, बट फिर भी थोड़ा आपको दिखाती हूँ कितना मुश्किल तुमने देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे आराम मिली। कर वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक है? अरे खुदवाया नहीं, ये हिजामा है, हिजामा पापा कर रही हूँ, पापा की करा दी हूँ, हो गया है मेरा हिजामा। आपको कैसे लगा, अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस देखने में तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है एक्चुअली, इतना ब्लड, और मुझे पहले डर लग रहा था कि हाँ भाई दर्द होगा कैसे क्या होगा, लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह करके ले लिया, और जब उन्होंने कप लगाया तो थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कुछ चीज खींच रही है आपकी बॉडी से 1 मिनट के लिए, उसके बाद जब वो कप निकालते हैं ना वो, और जो ब्लेड से हल्का हल्का कट मारते हैं, थोड़ा सा आपको एहसास होगा, थोड़ा सा होगा, दर्द होगा, उतना ही था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मकसद से कराया है कि पेन रहता है कहीं, हाँ। कुछ रहता है वो ठीक हो जाए, और ये साइंटिफिक भी बहुत अच्छा है, और इस्लामिक वे से भी बहुत अच्छा है, तो अभी आगे देखते हैं इंशाल्लाह कैसा होगा। तो फ्रेंड अभी हो गई ये हजामत नहीं, हजामा हो गया मेरा, हिजामा हो गया मेरा, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, मुझे ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे काम है, बेडरूम हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, आपको इंशाल्लाह आज दिखाएंगे, लेकिन उसमें पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए लैंप वैम्प वो सब भी चाहिए, वो लेना है। स्पेशली भाई भाभी की जैसे एनिवर्सरी, आपको पता है भाई इतना ज्यादा बिजी है, फिर बीमार भी हो गए, तो हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, रेस्ट की उन्हें जरूरत थी, लेकिन उनको कुछ तो दे दे अपने तरफ से। फ्रेंड हमने यहाँ हटा दिया अपना सोफा, यहाँ पे पेंट होगा, इसलिए भी हम सब कुछ यहाँ पे खाली करते जा रहे हैं, और सोफा हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए। चलो जल्दी चलो, वैसे सो गई अम्मी बेचारी को पहले से बताया नहीं, सडनली आके चलो ऐसे ही चलो, हाथ दिखाओ क्या लियो, चलो आ रहे बेटी खाला, हाँ अम्मी को बताया नहीं, डायरेक्ट बस बोला चलो, तो ऐसे ही आ गई, चलो कोई बात नहीं। तो फोटो भी क्लिक हो गई है मेरी जल्दी से मेरे आउटफिट में, आउटफिट दिखा दो, खुला रहा है इसमें, आ गया। तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं जोगेश्वरी, सब लोग को कुछ लेना है सामान, तो हम लोग अंदर गई है, मैं बस 2 मिनट में हो जाएगा, ईद के लिए नहीं, रमजान के लिए, किसी के लिए अभी, बस भाभी के लिए और कुछ हम लोग के लिए। तो फ्रेंड्स हम जो भाभी के लिए लॉन्ग सूट ले लेते हैं, उन्हें पसंद भी है, कंफर्टेबल भी है, अंदर भी भाई सब है, कोई फैन मिल गए तो वो वहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, ले लो फिर क्या, अच्छा लग रहा है, कोई ज्यादा बेटर लगेगा रानी। आप जानते हैं हम लॉन के सूट यहीं से ही लेते रहते हैं, मेरे लिए कोई से नहीं चूज़ किया। अब ये जो लेना फ्रीज में नहीं चलाऊंगा यार, जल्दी बता, अच्छा ले ले, कौन सा लेना है, चूज करो इसमें कोई, ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा ले लो, थैंक यू। तो अभी हम पहुंच गए फ्रेंड्स ओबेरॉय मॉल, मैं सोच रही थी कि रूहान के लिए भी गिफ्ट लेंगे क्योंकि उसकी भी तो पहली एनिवर्सरी है। हां बात तो सही, उसके लिए भी ले लो फिर। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे आगे चल के जहां रूहान का सामान मिलेगा। तो ले सकते वैसे चलो, देखिए शुभ दे दे, वाओ उसके पास है, लेके आपके पास आया, ये देखो भाई पूरे में घूम रहा है पहिए से, तुम भी इसी में खड़ी हो जाओ, सही तो भाई, यहाँ सब लोग प्लीज कर लेना, हमारे यहाँ से काम हो चुका है, अब चलते हैं घर के लिए।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर और अभी जल्दी से छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं बलून वलून फुला के, लेकिन भाभी तो घर पे है ही नहीं, आई गए रिहर्सल पे, जब तक आएंगे कब आएंगे पता नहीं कुछ भी, इसलिए हम लोगों ने एनिवर्सरी का कुछ किया भी नहीं था, लेकिन मन भी नहीं मान रहा था कि ऐसी एनिवर्सरी चली जाएगी। हम जल्दी से तैयारी करके रखते अपने तरफ से, ये जो हमारा सूट लेके आए वो हम पैक कर लेते हैं। उसमें एक येलो कलर का और सूट होगा, भाभी को लॉन सूट्स पसंद है फ्रेंड्स, तो हम लेके आए ये अनस्टिच्ड वाले हैं, ये दो अनस्टिच्ड है और ये दो स्टिच्ड है। फ्रेंड्स साथ साथ आपको पता है कि कल भाई का फाइनल वाला वोटिंग भी होगा, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है, आप सबको भी फ्रेंड्स सपोर्ट करना है, वीडियो के एंड में हम आपको डिटेल में बताएंगे और आपसे दिल से हम मदद चाहते हैं क्योंकि ये आखिरी बार मदद है, आपने यहाँ तक भाई को मतलब बिल्कुल कहते नहीं किनारे पे ला दिया है, अब आपको समंदर पार करवाना ताकि ट्रॉफी हमारे घर आए, प्लीज आपको सपोर्ट करना है। बात सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है, बात कोई चीज की नहीं है, उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है। आप ये सोचो अपनी एनिवर्सरी अपनी हर चीज छोड़ के बीमारी में भी डे वन से, भाई ना सच में दुनिया भूल गए थे झलक के पीछे और अभी भी उन्हें कोई चीज का होश नहीं है, बॉडी जवाब दे चुकी है, बस वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है। हमें यकीन है सब लोग करेंगे, प्लीज मुझे भाई को ट्रॉफी के साथ देखना है, प्लीज आपको करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे, मैंने आपको थोड़ा बहुत भी कभी हंसाया हो, आपको एंटरटेन किया हो या कभी भी आपका मूड ठीक हुआ हो मुझे देख के, आपके चेहरे पे कभी स्माइल आई हो हम सबको देख के, तो आपको भाई को सपोर्ट करना है। अब पूरे पैक करके आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब लास्ट मोमेंट पे बलून की मशीन नहीं मिल रही है तो हम लोग ये कर रहे हैं और ये लोग बुला रहे हैं बलून और वहाँ पे रिजा क्या कर रही है भाई अभी की एनिवर्सरी दो दिन पहले हो चुकी है लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल माहौल वही है जैसे आज है एनिवर्सरी। इससे ये मैसेज मिलता है कि तारीख और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब अपने खुशी मनाना चाहे तो वो कभी भी मना सकते हैं, है ना। अरे मम्मी जल्दी जल्दी फुलाओ, कहते सीन वाला बलून लाए, क्या बात है इतना बड़ा टेप निकाल दिया। ये देखो क्या लेके आए हम लोग, आज गाना गाएंगे भाई फ्रेंड्स, सबक अब आप एक छुपा हुआ टैलेंट देखेंगे। कितना बोलती हो तो सीधी थी, उतनी बोलती हुई हो गई हो। पहले कैसे थी बताओ? बहुत सीधी थी, कुछ नहीं, फोन नहीं उठाती थी किसी। मम्मी कितना बकती तो मुझे क्या बोलती थी? मैं गुस्सा करती, फोन उठाओ क्यों नहीं उठाती हो, बहुत डांट, कोई मेहमान आ जाए तो अंदर घुस जाती जाती थी। मम्मी कहती थी तेरा कुछ नहीं होगा जिंदगी में, वही वाली मैं सब आऊँ ठीक है, वही वाली शालू तुम्हारी। अब मम्मी लो आपकी फ्रेंड का फोन आया, सालू तुम फोन उठाओ, तुम्हारा फोन आया, फोन नहीं उठाओ जिंदगी में क्या करूँगी, सालू फोन नहीं उठा पाती हो, फोन उठाओ नहीं अम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी जिंदगी में, देखे ऐसी बैठे कुछ नहीं कर पाते थे, आज मैं क्या बन गई अम्मी, आज भी वही है फोन उठाने में, आज भी वही है फोन जब आता है तो पता नहीं मेरी रूह कांपती है फ्रेंड्स। लेकिन अम्मी मैं बन तो गई ना कुछ, तो अगर आपकी माँ बाप आपको गुस्से में बोले तुम कुछ नहीं बन पाओगे मतलब तुम जरूर बनोगे, हर दिन यही पड़ता था ना। तो पैकेट से निकाल लीजिए, ये जेठल ये अम्मी तो इतना बड़ा दिलवा के लाई है, अम्मी पता है वही वाली अम्मी है जो एक साल अभी पहनना है 5 साल पहले तक के सोच के दिलवाती, बताओ इतना बड़ा रुहान के लिए। ये सारी अम्मी लोग ऐसी होती है, बड़ा ले लो बड़ा, ओ मुंह पे लगी। हेलो आ रही आवाज, हेलो मैं हूँ जिया, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है सबसे सुरीला, मेरा गाना सुन के गाना बजाते हैं मनहोश। सचिन से जाइए आपके सामने पेश है से बड़ी बेस हुई खालिद नियाज, बिल्कुल सही टाइम पे ये चीज आई है, कल रोड पे निकलूंगी और बोलूंगी वोट फॉर शोएब इब्राहिम, हमारा विनर कैसा हो, हमारा विनर कैसा हो, शोएब इब्राहिम ही जीतेगा। की भाई भाभी की एनिवर्सरी इसलिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये उनकी पहली एनिवर्सरी है एज अम्मी और पापा, मतलब रुहान के साथ उनकी पहली शादी के साथ। तू जाना ना पिया, मेरा पैर बिना कोई ना।
सब खत्म हो गया, भाई भाभी आके चले गए एनिवर्सरी देख गए हो गया सब। अब नहीं भाग कुछ आके चले गए नहीं गए क्या नहीं हमारे घर में स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स यहाँ पे सनी एक डॉगी का ऑपरेशन करते हुए ये रोहन बाबू खेलेगा इससे। बताओ झलक में भाई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा दुआ करते जीतेगा। सबसे बोलो वोट करो, सबसे वोट करो जीतेगा। बोलो वोट फॉर शोएब इब्राहिम। बोलो वोट फॉर वोट वोट अम्मा 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 बोलो वोट 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 फॉर वोट शोएब शोएब इब्राहिम इब्राहिम जीतेगा भाई जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बोलो चलो भाई ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट लास्ट के कुछ और दिन रिहर्सल 27-28 शूट चलो इस बार प्री शूट होंगे। मैं अपने ब्लॉग में तो अभी बना नहीं है बोलूंगा लेकिन आज सबा के ब्लॉग में है तो मैं स्पेशली सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन जिन ने मेरे लिए वोट किया है इस बार और उसी वजह से मैं इस बार सेफ हूँ। और जहां जहां से भी वोट आए कुछ मैंने वीडियोस देखे मैंने भी शेयर किए थे स्पेशली मौदहा में जिस तरीके से वो लाउड स्पीकर में पूरा अनाउंस कर रहे थे कि ये सारी चीजें हैं शोएब को वोट करें और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जमशेदपुर से भी तुम गई थी ना वहां से भी काफी मैंने वीडियोस देखे हैं सब 15-15, 20-20 फोन लिए हुए हैं और वो बोल रहे हैं शोएब भाई की मोहब्बत में तो उसके लिए भी सबसे दिल से शुक्रिया दिल से थैंक यू। बस इतनी आप सबने मेहनत करी है लास्ट का एक मौका है चाहे तो मुझे जिता सकते हैं झलक। और जैसे कि मैंने पहले कहा था झलक की शुरुआत में कि जर्नी मेरी है लेकिन मंजिल मुझे दीपिका के लिए उतारनी है क्योंकि इसकी जर्नी जो है वो अधूरी रह गई थी झलक की और बस वो अब चीज आप ही पूरी कर सकते हैं क्योंकि अब आपके हाथ में है। मैं अपने हिस्से की मेहनत कर चुका सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं अब फिनाले शूट होगा उसमें स्कोरिंग नहीं होगा मोस्टली तो जो भी है आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सपना जो है वो पूरा कर सकूं इसकी जो अधूरी जर्नी थी उसको मैं एक मुकम्मल कर सकूं कंप्लीट कर सकूं तो उसके लिए आपको मुझे वोट करना होगा और वोट इस बार ऐसा है कि 24 तारीख को यानी कि सैटरडे को आप मुझे रात 9:30 बजे से रात 12 बजे तक वोट कर सकते हैं पर आईडी इस बार 100 वोट कर सकते हैं आप 100 वोट मतलब आज ही आज मतलब हाँ जी आज आपको करना है आज और कल भी वोटिंग है संडे को लेकिन इस बार टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है संडे को रात 9:30 बजे से आप मंडे रात 12 बजे तक आपके पास पूरा टाइम है और उसमें आप 500 वोट कर सकते हो एक आईडी से तो प्लीज आज इतना हो सके वोट करिए। और फिर से लास्ट में एक बार दिल से बहुत शुक्रिया सबका हर एक उस शख्स का जिसने जहां किसी भी कोने से बैठ के मेरे लिए वोट किया और दिल से शुक्रिया आपके वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। उसे एक लास्ट स्टेप बचा है तो प्लीज आखिरी उम्मीद है यहां तक पहुंचाया है तो आगे देखो जितने देर आप लेटे थे ना यहाँ का पूरा एक्स्ट्रा सामान सब छाटा है सिर्फ ये अलमारी में जाएंगे और ये भर जाएगा खाली खाली हो गया थोड़ा खाली हुआ क्या कर रहे हो यूपी वाले मुंडे ये पूरा कचरा निकाला है। तो फ्रेंड्स अभी सारे काम वाम करके फ्री हुई हूँ और फिर याद आए कि एंडिंग नहीं दी तो एंडिंग दे देती हूँ क्योंकि रूम खाली करने थे फिर कल से उस रूम में काम होगा कल से यहाँ भी पेंट होगा और वो छोटा छोटा काम ना दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट करने में मेरी पूरी एरिया दुख गई है। तो खैर जो भी अब आपसे मिलेंगे शायद नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज याद रखिएगा भाई को वोट करने के लिए और घर वालों से भी कराइएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज भाई को वोट करना उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है तो आप सब उनका सपोर्ट भी करें। अब मैं जा रही हूँ सोने फ्रेंड्स आज हम अपने न्यू वाले बेडरूम में लेटेंगे तो इंशाल्लाह आपको पक्का नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वोटिंग की सारी डिटेल्स फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो वोट करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो सबसे ज्यादा भाई के लिए दुआ करना मत भूलना कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।